सवाल नंबर एक, फजर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने अदा की थी? आपके ऑप्शन है ए दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी शेष अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी आदम अलैहिस्सलाम। फजर की नमाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की थी सुबह होने के शुक्र में, क्योंकि आपने जन्नत में कभी रात नहीं देखी थी। सवाल नंबर दो, सबसे पहले जोहर की नमाज किस नबी ने अदा की थी? आपके ऑप्शन है ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी शेष अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले जोहर की नमाज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान महफूज रहने की खुशी पर अदा की थी। सवाल नंबर तीन, असर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने अदा की थी? आपके ऑप्शन है ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी अज़ीज़ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी अज़ीज़ अलैहिस्सलाम। हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले असर की नमाज अदा की थी। सवाल नंबर चार, मगरिब की नमाज सबसे पहले किस नबी ने अदा की थी? आपके ऑप्शन है ए मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है डी दाऊद अलैहिस्सलाम। मगरिब की नमाज सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की थी अपनी तौबा कबूल होने के बिना पर। नियत आपने चार रिकत की थी, लेकिन तौबा तीन ही रिकत पर कबूल होने पर आपने सलाम फेर दिए थे। सवाल नंबर पाँच, इशा की नमाज सबसे पहले किस नबी ने अदा की थी? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज सबसे पहले अदा की। सवाल नंबर छः, नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं? आपके ऑप्शन है ए चार चीज़ें, ऑप्शन बी छः चीज़ें, ऑप्शन सी सात चीज़ें, ऑप्शन डी आठ चीज़ें। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी छः चीज़ें। नमाज में कुल छः चीज़ें फ़र्ज है। सवाल नंबर सात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? आपके ऑप्शन है ए दो औरतों ने, ऑप्शन बी तीन औरतों ने, ऑप्शन सी चार औरतों ने, ऑप्शन डी छः औरतों ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी तीन औरतों ने। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन औरतों ने दूध पिलाया। सवाल नंबर आठ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए? आपके ऑप्शन है ए 4000 साल, ऑप्शन बी 6000 साल बाद, ऑप्शन सी 6155 साल बाद, ऑप्शन डी 6270 साल बाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी 6155 साल बाद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।